नमस्कार दोस्तों, मैं अनु स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल बॉलीवुड में। दोस्तों, सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का इंतजार पिछले साल से हो रहा है और लगातार इसको लेकर कई तरह की अपडेट सामने आती हैं। इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है जो कि इस फिल्म को बड़ा बनाने के लिए काफ़ी है। पता चला है कि फिल्म की स्टार कास्ट में एक और प्रतिभाशाली अभिनेता की एंट्री हो गई है। दोस्तों, ये कोई और अभिनेता नहीं बल्कि आशुतोष राणा हैं। दोस्तों, आशुतोष राणा ने ऋतिक रोशन की वार मूवी में एक कर्नल की भूमिका निभाई थी, जो कि इसी तरह की भूमिका पठान मूवी में निभाते हुए नजर आ सकते हैं। वार में आशुतोष राणा ने आर्मी कर्नल का दमदार किरदार निभाया था और ये काफ़ी पसंद किया गया था। दोनों ही फिल्में यशराज की फिल्म थी और आशुतोष राणा ने वार वाला किरदार पठान में निभाते हुए दिखेंगे। अपने अभिनय से पहले ही उन्होंने यह सबको चौंका दिया है। शाहरुख खान पठान के साथ ऐसी दमदार वापसी करेंगे जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को होगी। काफ़ी समय से वो एक बड़ी हिट की तलाश में हैं और इस बार वो किसी तरह के रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। यही कारण है कि वो इस फिल्म में फैंस को एक सरप्राइज देना चाहेंगे। पठान में शाहरुख खान एक रॉ एजेंट की भूमिका में नजर आने वाले हैं और इस मूवी में वो काफ़ी तगड़े एक्शन के रूप में दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में उन्होंने अपनी रोमांटिक छवि को भूलकर एक एक्शन अवतार के रूप में नजर आने वाले हैं। इसके पहले शाहरुख खान ने अपना एक्शन अवतार रईस मूवी में दिखाया था और फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई थी। इस फिल्म के साथ कुछ ऐसा ही हो सकता है। हालांकि इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी एक अहम रोल होने वाला है। तो दोस्तों, शाहरुख खान की आने वाली मूवी पठान का कितना है इंतज़ार, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।